Hello students, I am Vishal Chourasia from CSE department SISTec Gandhi Nagar Bhopal. In previous lecture we discussed about the concept of virtualization and what is virtualization, why we used virtualization. Today's lecture we are going to discuss about the virtualization features. The first feature is most mature, proven and comprehensive platform. The VMware is the fifth generation virtualization, many years ahead of any alternative. It delivers higher reliability, more advanced capabilities and greater performance than the competing solution. तो ये क्या है virtualization? Virtualization अब आने वाली बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे है. अब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें virtualization बहुत आगे है. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, हमारी कॉस्ट कम कर रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने का चांस दे रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, मोर एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें कि हम अपनी कॉम्प्रेसिव एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है, हायर एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी. द सेपरेटली हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव बट VMware इंटीग्रेट रूबर्ट्स अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस फॉर ऑल वर्चुअलाइज्ड एप्लीकेशन. व्हेन अ नोड और अ सर्वर एवर फेल, ऑल इट्स वर्चुअल मशीन आर ऑटोमेटिकली रीस्टार्टेड ऑन अनदर मशीन विथ नो डाउन टाइम और डेटा लॉस. अब क्या होता है, यदि आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो आप उनको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें से कोई एक रिसोर्स फेल हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा. लेकिन वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं है. वर्चुअल मशीन में आपने क्या किया है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रखी हैं. तो यदि कोई एक वर्चुअल मशीन बंद होती है तो वो क्या होगा, वो मशीन अकेली बंद होगी, बाकी आपकी सारी मशीन चलती रहेंगी और आपकी जो प्रोसेस है वो उससे ट्रांसफ़र होकर दूसरी वर्चुअल मशीन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, आपका ना तो डेटा लॉस होगा ना ही आपका सर्वर डाउन होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विजार्ड बेस्ड गाइड्स फॉर इजी इंस्टॉलेशन. अब VMware विजार्ड्स बेस्ड गाइड टेक द कॉम्प्लेक्सिटी आउट ऑफ सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन. बी कैन बी अप एंड रनिंग इन ऑन थर्ड द डिप्लॉयमेंट टाइम ऑफ अदर सॉल्यूशंस. अब क्या है कि यदि आप बार बार इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है आपका, है ना, अलग अलग उसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं यदि आपको रिसोर्सेज बढ़ाने हैं. तो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसमें सेटअप और कॉन्फ़िगर करने में, लेकिन वर्चुअल मशीन में ये नहीं है. आपने एक बार कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब वो आपका शेयर्ड बेसिस पे नंबर ऑफ़ यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं. कैसे, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल एंड स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट. वर्चुअल VMware लेट वी एडमिनिस्टर बोथ अवर वर्चुअल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट फ्रॉम अ सिंगल पेन ऑफ ग्लास कंसोल राइट ऑन आवर वेब ब्राउजर. द टाइम सेविंग फीचर सच एज ऑटो डिप्लॉय, डायनेमिक पैचिंग एंड लाइव VM माइग्रेशन रिड्यूज रूटीन टास्क फॉर आवर आवर्स टू मिनट्स. द मैनेजमेंट बिकम मच फास्टर एंड ईजियर, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट एडिंग टू आवर हेड काउंट्स. तो ये कैसा है, ये बहुत सिंपल और स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट है. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है, डायनेमिक पैचिंग है, लाइव माइग्रेशन है, वो बहुत ईजी हो रहा है. काफ़ी घंटे लगने की वजह से ये क्या इतना टाइम ले रहा है, मिनट्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो इससे हमारा टाइम बच रहा है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. द प्लेटफॉर्म ब्लेंड CPU एंड मेमोरी इनोवेशन विद द कॉम्पैक्ट पर्पस बिल्ट हाइपरवाइजर दैट एलिमिनेट्स द फ्रिक्वेंट पैचिंग मेंटेनेंस द IP bottleneck ऑफ अदर प्लेटफॉर्म. द नेट रिजल्ट इज बेस्ड इन क्लास रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंटली हायर परफॉर्मेंस फॉर हैवी वर्क लोड 2:1 एंड 3:1 परफॉर्मेंस एडवांटेज ओवर आवर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स. रिलायबिलिटी कैसे बढ़ रही है इससे हमारे सिस्टम की, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है. एक तो आपका सिस्टम यदि फेल हो रहा है तो दूसरे पे स्विचिंग फास्ट हो रही है ना, आपका जो टाइम है वो बच रहा है, टाइम बच रहा है और आपके पास क्या हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप उसका बैकअप बना के रख पा रहे हैं. तो आपको रिजिलियंसी भी अचीव हो रही है. तो वर्चुअलाइजेशन से आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, टाइम बच रहा है और आपकी सिस्टम रिलायबल हो रहा है, सिक्योर हो रहा है. यदि आप बैकअप बना के रख रहे हैं वर्चुअल मशीन पे तो आपका सिस्टम सिक्योर हो रहा है. तो इससे रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपीरियर सिक्योरिटी. सेम वही पॉइंट है, वर्चुअल VMware हाइपरवाइजर इज फॉर द थिनर देन एनी रायबल कंज्यूमिंग देन जस्ट 144 MB कंपेयर्ड विद द अदर 3 to 10 GB
डिस्क प्रोफाइल। हाइपरवाइजर कितना है आपका, बहुत कम स्पेस लेता है, अप्रोक्स 144 MB कंपेयर टू GB डिस्क प्रोफाइल। यदि आपको डेटा को अलग अलग कॉपी रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क बढ़ानी पड़ेगी। हार्ड डिस्क आपको बढ़ानी पड़ेगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इसमें क्या है, आपको कम मेमोरी में भी आप अपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। द स्मॉल हाइपरवाइजर फुटप्रिंट प्रेजेंट्स अ टिनी वेल गार्डेड अटैक सरफेस और एक्सटर्नल थ्रेट फॉर एयरटाइट सिक्योरिटी एंड मच लोअर द इंट्रूशन रिस्क। अब क्या है कि आपके अलग अलग सिस्टम हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअलाइजेशन नहीं, अलग अलग सिस्टम है, तो आपको क्या होगा, हर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हर सिस्टम की रिसोर्सेज के लिए आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो एक ही होस्ट मशीन है, बाकी सारे कैसे हैं, वर्चुअल हैं। तो यदि आपने होस्ट मशीन को सिक्योर कर दिया तो आपकी पूरा वर्चुअलाइजेशन क्या हो गया, सिक्योर हो गया। और इसमें क्या होगी, ना तो आपका इंट्रूजन अटैक हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आपको तो वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रियल ना हो के कैसी है, वर्चुअल है, तो इससे हमारी क्या होगी, सिक्योरिटी इन्हेंस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रेटर सेविंग। ये हम ओवरऑल बात की कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज ही होती है कॉस्ट सेविंग के लिए। VMware trumps other virtualization solution by providing 50-70% higher VM density per cost, elevating per server utilization rates from 15 to as much as 80%। इसने क्या किया, सर्वर का यूटिलाइजेशन 15 से 80% बढ़ा दिया, और कॉस्ट कितनी कर दी, कॉस्ट हमारी घटा दी, सर्वर यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया और कॉस्ट हमारी घटा दी, तो हमारी दोनों में हमारी सेविंग हो गई, कि हमारा आउटपुट जो था वो हमें ज़्यादा मिलने लगा और उसके लिए कॉस्ट थी वो जो कम हो गई। वी कैन रन मैनी मोर एप्लीकेशन ऑन मच लेस हार्डवेयर देन विद इन अदर प्लेटफॉर्म फॉर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर सेविंग इन कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसमें कैपिटल भी बचेगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बचेगी, क्यों, क्योंकि एक ही सिस्टम है, अलग अलग हार्डवेयर होगा तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा, आईटी टीम का कॉस्ट जाएगा, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा। और वर्चुअलाइजेशन में क्या है, आपको केवल होस्ट मशीन को मेंटेन करना है, उसी पे आपके क्या है, वर्चुअल मशीन क्रिएट है, तो दोनों आपकी सेविंग हो रही है, टाइम भी बच रहा है और कॉस्ट भी बच रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अफोर्डेबिलिटी। VMware is highest in capabilities but not the cost. The starting at $160 per dollar. Server our small business package consolidated more of our application on fewer server with greater performance delivery, the industry lowest cost ownership, that is TCO, total cost ownership. तो affordability बढ़ रही है इससे, क्यों, क्यों अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे कॉस्ट कम लग रही है, टाइम कम लग रहा है, तो इससे हम इसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, किसको, वर्चुअल एनवायरनमेंट को। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो पहला एडवांटेज क्या है, VM इनसाइड अवर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वी कैन होस्ट द गैस ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज VM इनसाइड अवर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज दी होस्ट, sharing the computing resources from our PC such as CPU or memory। क्या कर रहा है आपका ये, host operating system के resources use करके guest operating system create कर रहा है। This will allow us to have access to other operating system in real time, a huge benefit, no need of new computer just because we want to try the latest Linux operating system on the latest Mac OS। यदि आपको एक किसी सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, उसके कुछ फीचर्स यूज़ करने, तो आपको क्या नया सिस्टम खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन से क्या है, आप विंडोज़ चला रहे हैं, उस पर आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए और उस पर आप लिनक्स चला सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, टेस्टिंग एंड लर्निंग। इफ वी आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वी कैन टेस्ट सॉफ्टवेयर इनसाइड द वर्चुअल मशीन। इफ द वर्चुअल मशीन वुड और एवर क्रश अवर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू अवर सॉफ्टवेयर देन द मैन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, ओनली ऑन द वर्चुअल मशीन वुड बी। तो क्या है, यदि आप अपना टेस्ट करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, आप टेस्टर हैं और आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं और आप अपने किसी सिस्टम पर लगा के वो टेस्ट करते हैं और मान लो वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर देता है, तो आपका होल डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन वहीं आपने यदि वर्चुअल मशीन पर अपनी टेस्टिंग की तो क्या होगा, यदि करप्ट होगा भी तो आपका केवल क्या करप्ट होगा, वर्चुअल मशीन करप्ट होगी, आपका जो मेन होस्ट है वो बचा रहेगा जिसपे आपका डेटा सेव है। ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल सर्वर।
If we have a server with a lots of computing resources, then we could create a lots of web server which are separate to each other and resell what they call as a virtual server to the customer. This means they get a slice of our computer resources. If their web server shut down abnormally, the machine would not affected as they will only have access to their virtual machine. तो virtual server से क्या है कि आपका वही आपने server पे क्या किया, server यदि बैठ जाता है तो उससे connected जितने भी system होंगे वो सारे बैठ जाएंगे, वो आपका काम करना बंद कर देंगे. तो यदि आपका एक server disturb होगा तो इससे आपकी पूरी computing disturb हो जाएगी. लेकिन यदि server का आपने virtualization कर रखा है तो आपका क्या होगा, एक virtual machine disturb होगी, ना कि पूरा का पूरा server. Next क्या है हमारा, assigning a virtual machine. If we have more than one monitor, then we can each assign a virtual machine to a monitor. So each virtual machine has its own monitor. यदि हम अपने system में number of monitor connect कर लें और उन पर फिर हमारे different virtual machine को run करें, तो हमारे क्या हुए, एक हिसाब से system ही create हो गए, है ना. लेकिन वो हमने कैसे क्रिएट किए, रियल फॉर्म में नहीं क्रिएट किए, वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट किए. वो काय पे बेस्ड है, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट पे. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, वर्चुअल मशीन आर पोर्टेबल. इट जस्ट अ फाइल. हाइपरवाइजर क्या है, एक फाइल है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, उसको आप ले जाके किसी भी सिस्टम पे इजीली पोर्टेबल के थ्रू पोर्ट कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं. इजीली मूवेबल है और वहाँ जाके आप एनवायरनमेंट क्रिएट, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो क्या हो गई, आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो कैसी हो गई, पोर्टेबल हो गई, इजीली कहीं पे भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाई जा सकती हैं. अब इसके इतने सारे हमने एडवांटेजेस देख लिए, बट देयर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. फर्स्ट इज रिसोर्स हंग्री. रिसोर्स हंग्री क्या है, अब आपके क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी इस पे, राइट. अब आपके पास यदि यूजर की डिमांड नहीं आती है तो वो क्या होंगे, वो फ्री बैठे रहेंगे, उस समय आपका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो उनको क्या होगा, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. यदि आपके पास उस समय इतने क्लाइंट नहीं है, क्लाउड ऐप के रिसोर्सेज की डिमांड नहीं कर रहे, तो आपने अपने जो वर्चुअल मशीन से अपने क्रिएट कर रखे हैं एनवायरनमेंट, वो क्या नहीं होंगे, वो यूटिलाइज नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे, हंग्री होंगे. दूसरा स्लो, इससे हमारी जो प्रोसेसिंग है, एक्चुअल प्रोसेसिंग है, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम. If our CPU does not allow for hardware virtualization, then we can run some operating system in virtualization, but generally it is slower and slow it would be irritate us. यदि ये प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी तो वो थोड़ा हमें इरीटेट कर सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है. हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है कि हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला पा रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उससे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. मेमरी, इफ़ वी वॉन्ट our own server and intend to resell a virtual server, then we can generally need it a fair bit of money to set it all up. This could means a purchase of 62-bit hardware with the multiple CPU and multiple hardware device. तो क्या होगा, memory कैसी होगी, limited होगी. एक जो आपके server की memory है वही आप क्या करेंगे, virtual form में use कर सकते हैं, है ना, एक time में एक system को allocate करके. तो क्या होगी, यदि आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है तो उसमें आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, जितने आप सिस्टम बढ़ाएंगे उतनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सर्वर में एक टाइम के बाद आप मेमोरी नहीं बढ़ा सकते, तो वो लिमिटेड मेमोरी रहेगी. दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन. तो हमने देखा कुछ फीचर्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो आई होप इन दो लेक्चर में आपको वर्चुअलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब कुछ डिफरेंट टाइप के वर्चुअलाइजेशन है वो